नमस्कार, मैं राजू सर, आप देख रहे हैं जीटीवी न्यूज। यूपी के इटावा में कांग्रेस पार्टी की और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में कांग्रेस पार्टी के उत्तर प्रदेश के प्रवक्ता अशोक सिंह शामिल हुए हैं, जहाँ उन्होंने पार्टी के कार्यकर्ता और नेताओं के साथ बातचीत की, जिसके बाद उन्होंने सीधे सीधे भाजपा सरकार पर निशाना साधना शुरू कर दिया। कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि मोदी सरकार ने किसानों और गरीबों को धोखा दिया है। मोदी जी ने जो वादे किए थे वो एक भी पूरे नहीं किए। इस सरकार में गुंडा राज बढ़ गया है, आए दिन लूट हत्या जैसी घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। ये सरकार पूरी तरह से विफल हो गई है और जनता भी इस सरकार से परेशान हो गई है। आने वाले लोकसभा चुनाव में हम मोदी सरकार को उखाड़ कर फेंक देंगे और इसमें हमारी जीत होगी। जो झूठ और जो फरेब देश की जनता के सामने बोला, चाहे वो किसानों को लेकर, नौजवानों को लेकर, गरीबों को लेकर, व्यापारियों को लेकर, चाहे वो दलितों को लेकर, पिछड़ों को लेकर, कोई योजना देश के पास, सरकार के पास नहीं थी। और हद हो गई है कि सेना का भी राजनीतिकरण किया जा रहा है। देश की आज़ादी से लेकर अब तक हमने तमाम बार सरकारें देश में चलाई, मगर हमने कभी सेना का राजनीतिकरण नहीं किया। ये सरकार का, मोदी सरकार का, देश की जनता का आईना है, तो देश की जनता समझती है। देश की जनता बेचैन है 2019 के लिए कि कब ये सरकार बदले, क्योंकि वक्त बदलाव का है। देश की जनता ने 5 राज्यों के चुनाव में जवाब दे दिया है, 3 राज्यों में हमने सरकार बनाई। देश के प्रधानमंत्री लगातार मन की बात कहते रहते हैं। दो साल का लगता योगी सरकार का कार्यकाल, लखनऊ राजधानी से लेकर और पूरे उत्तर प्रदेश में जिस तरीके सड़क से लेकर और जेल तक अपराधी तांडव मचा रहे हैं। जेल में हत्या हो जाती है, सड़क पर हत्या हो जाती है, लखनऊ राजधानी में राजभवन के सामने हत्याएं हो जाती है। सरकार की और मोदी योगी सरकार की आंखों में मोतियाबिंद है। जनता 2019 में ऑपरेशन करने जा रही है। रही बात शाम को अगर चुनाव आयोग डेट डिक्लेयर करता है तो कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस पर हमें भरोसा नहीं है, अर्धसैनिक बल ज़्यादा से ज़्यादा सभी लोकसभा में लगाए जाए। राजनीति करा अपने रोकने के लिए आप क्या मान रहे हैं? हम देखिए, जनता के बीच में मैंने पहले भी कहा कि लगातार लंबे समय तक कांग्रेस ने सरकार चलाई, मगर कभी हमने शहीदों की फोटो लगाकर, आपने वायदा किया था कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, रात में नीरव मोदी भाग गया, मोहन चौकसी भाग गया, और सबसे बड़ी बात है कि राफेल डील में सुप्रीम कोर्ट में आपने झूठ बोला। एक दिन आपने चोरी हो गई, ये सबसे बड़ा है, दरोगा जी चोरी हो गई। आप क्या योगी और मोदी की सरकार में चोरी हो जाए, और वो भी रक्षा मंत्रालय से? जिम्मेदारी किसकी है, जवाबदेही किसकी है? देश की जनता तय करने जा रही है। हम डरने वाले नहीं हैं, हम डिगने वाले नहीं हैं, हम जनता की सेवा के, जनता के बीच में लड़ते रहेंगे। सरकारें आती जाती रहती, मगर जिस तरह का फरेब देश के सामने मोदी जी ने किया और योगी जी ने किया, जनता वो बटन दबाने जा रही है। बदलाव चाहती है उत्तर प्रदेश को। सपा बसपा गठबंधन से यहाँ समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी उतरा है, वो गठबंधन अपने वोट संख्या गिना रहे हैं कि हमारी जीत निश्चित है, हमारे बगैर सरकार नहीं बनेगी, कांग्रेस चाहे जितना दावा ठोके। आपको क्या लगता है कि इस गठबंधन से आप आगे निकल पाएंगे? उत्तर प्रदेश की 22 करोड़ की जनसंख्या है और पूरे देश की, कांग्रेस पूरे देश में चुनाव लड़ रही है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव की शुभकामना, जो मनसा आदरणीय अखिलेश यादव जी की है, वो मनसा कांग्रेस की है, वो मनसा भारतीय जनता को बहन मायावती जी की है कि देश में मोदी सरकार जाए और आम लोगों को न्याय मिले, जो देश में डर जैसा माहौल। देखिए, पार्टी अलग अलग है, मैनिफेस्टो अलग अलग होता है, झंडा अलग अलग होता है। हमारे शीर्ष नेतृत्व ने पहले भी कह रखा है कि समान विचारधाराओं के साथ हम जाएंगे। अभी आपके सामने हमने एक लिस्ट जारी की है, दूसरी लिस्ट आज और कल में आती है। नहीं, ये शीर्ष नेतृत्व तय करेगा, शोक सिंह तय बैठ कर नहीं कर सकता, मगर लक्ष्य एक है, विचारधारा एक है कि देश से मोदी सरकार को जाना होगा। उत्तर प्रदेश की जनता चाहती है और देश की जनता चाहती है। प्रधानमंत्री का नेतृत्व किसके कौन करने वाला है? राहुल गांधी के नेतृत्व में हम सरकार बनाएंगे और राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री होंगे। सपा बसपा गठबंधन राहुल गांधी की बजाय अपने शीर्ष नेताओं की पार्टी वो तय करेंगे, मगर देश राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के रूप में देखता है। लेकिन इटावा लोकसभा में क्या माना जाएगी, इससे लोग ये मान लेंगे कांग्रेस की तरफ से आपका चेहरा यहाँ आ सकता है? नहीं, अगर पार्टी तय करेगी तो मैंने पार्टी से अपना निवेदन किया, अगर पार्टी जिम्मेदारी देगी तो निश्चित तौर पर हम सपने बेचेंगे नहीं, सपने हकीकत करने के लिए इटावा में चुनाव लड़ेंगे। आपका चेहरा भी इसमें शामिल है? मुझे लगता है मैंने पार्टी टिकट मांगी, अगर पार्टी मुझे जिम्मेदारी देती है तो हम सपने बेचने के लिए नहीं, क्योंकि इटावा की जनता के साथ झूठ और फरेब दिया गया लंबे समय से। गैर कांग्रेसी सरकार जब तब रही, आज हमारी बनाई हुई सड़कों पर डामर छिड़क रहे हैं लोग।
चाहे कोई सरकार रही हो, मगर किया मेरा। आज भी इटावा के लोग पलायन कर रहे हैं, लोगों को रोजगार नहीं है। आलू की उत्पादन इतना होने के बावजूद भी और दो दो बार तीन तीन बार उत्तर प्रदेश से मुख्यमंत्री रहने के बावजूद भी गैर कांग्रेस सरकार ने इटावा के नौजवानों को कोई रोजगार नहीं दिला पाए, कोई बड़ी फैक्ट्री नहीं लगा पाए। मैं दावा कर सकता हूँ केंद्र में अगर कांग्रेस सरकार हमारी बनती, राहुल जी प्रधानमंत्री बने, तो इटावा में चौमुखी विकास होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, ऐसा मैं मानता हूँ। प्रियंका गांधी के आने के बाद राजनीति काफी बदल गई है, आपकी क्या मांग है, चुनाव लड़ेंगे? देखिए आदरणीय, बड़ी खुशी है हमें कि हमारे हमें प्रियंका गांधी जी के रूप में महामंत्री के रूप में उत्तर प्रदेश की जनता को, उत्तर प्रदेश के कांग्रेस कार्यकर्ताओं को लंबे समय से मांग हो रही थी प्रियंका जी को लेकर। हम राहुल जी को बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं कि उन्होंने बहन प्रियंका गांधी जी को हमारे बीच में भेजा, और प्रियंका जी के आने पर कार्यकर्ताओं में, कांग्रेस में और आम जनता में, आपने लखनऊ राजधानी मोड पर जब पहली बार लखनऊ आए तो देखा आपने, आप जनता सड़कों पर खून माला लेकर आई है, इससे लगता है कि उत्तर प्रदेश को बदलाव। देखिए पार्टी तय करेगी तो निश्चित तौर पर लड़ा जाएगा चुनाव। इटावा से राहुल तिवारी की खास रिपोर्ट।